नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अंग्रेज़ी की पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने पिछले दो वीडियोस में आप लोगों से संस्कारा जो नॉवल है, जो कि हमारे UR अनंत मूर्ति ने लिखा है, उनके द्वारा लिखा गया नॉवल को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप उसके समरी जानना चाहते हैं तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि मुझे पिछले 5 साल के पेपर्स में से मिले हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये मुझे 2019 के पेपर में दिखा है और मुझे ऐसा लगा, ये फील हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है। सो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ परनेश आचार्य विद दैट ऑफ नारायणप्पा। यानी कि नारायणप्पा और परनेश आचार्य जो हैं, इन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इनके बीच में क्या अलगाव है, इनके नेचर में हमें कौन कौन से डिफरेंसेस नज़र आए हैं, इनके जो मतलब काम है, इनके जो वर्क हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के दौरान कवर करेंगे। तो आइए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परनेश आचार्य के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये जो है, ये हमारे फिल्म के हीरो हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, ही इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल संस्कारा। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर एंड लीडर ऑफ द माधवा ब्राह्मीन अग्रहारा। अग्रहारा जो है, अग्रहारा के ये सबसे बड़े लीडर हैं एंड ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, क्योंकि इन्होंने 16 साल के जीवन से ही अपने आप को बनारस में, मीन्स इनका सारा अध्ययन पूरा हुआ, वहाँ पर अपनी सारी पढ़ाई करने के बाद ये स्कॉलर बने एंड यहाँ के अध्यक्ष बन के वो यहाँ अभी आए हैं, यानी कि अग्रहारा में। ही लीड्स एन एस्केटिक लाइफ एंड टेंट्स हिज हाँ, ये भी मैं आप लोगों से बता दूं दोस्तों, इनकी जो वाइफ है वो एक इनवैलिड गर्ल है जिनका नाम है भगीरथी, और इनको ये लगता है कि अगर ये एक ऐसे मीन्स जीवन साथी के साथ रहेंगे जो कि इनवैलिड हैं और उनकी सेवा करेंगे, तो ये ईश्वर के नज़दीक पहुँच जाएंगे। ये इनका मानना है कि ये इन्हें एक सेल्वेशन का रास्ता दिखाएगा। दो अ ग्रेट वैदिक स्कॉलर वेल वर्स्ड विद द स्क्रिप्चर्स ही फाइंड हिमसेल्फ इन अ फिक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही होता है कि अग्रहारा के ब्राह्मण नारायणप्पा की डेड बॉडी को लेके काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो होता तो ब्राह्मण है लेकिन फिर भी वो एंटी ब्राह्मणिकल रूल्स को फॉलो करता है और इनके जितने भी रिचुअल्स हैं उनको डिफाइल करता है, यानी कि उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, उन्हें स्पॉयल करता है अपने जीवन भर। ये एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता है जिसका नाम होता है चंद्री, और दिन भर इसका काम जो है वो ब्राह्मण्स को अब्यूज़ करना ही होता है, ये ब्राह्मण्स के खिलाफ होता है। लेकिन इसके जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक ये जीता है, तब तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो इसे रोक सके, क्योंकि इसने उन लोगों को धमकी दे रखी होती है कि यदि कोई भी अगर आकर इसे रोकना चाहेगा तो ये उन्हें अब्यूज़ करेगा और यह जा करके अपना कास्ट चेंज कर लेगा एंड जितने भी ब्राह्मण्स हैं सबको अब्यूज़ करेगा, ऐसा इन्हें धमकी दी के रखी हुई होती है। सो दोस्तों, यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने धमकी दी होती है, तो परनेश आचार्य काफ़ी ट्राई भी करते हैं कि वो इन्हें कन्वर्ट कर पाएँ, इनके माइंड को चेंज कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो इसमें असफल रहते हैं। तो देखा जाए तो एक तरफ हमें परनेश आचार्य के बीच में और नारायणप्पा के बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र आएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ आसमान जो है, क्लाउड अगर जिसे हम कहा जाए, तो वो यहाँ पर परनेश आचार्य ही हैं, क्योंकि इनके जो लाइफ जीने के तरीके होते हैं, इनके जो वेज होते हैं, वो नारायणप्पा से काफ़ी अलग होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो वाइल ट्राइंग टू सीक डिवाइन गाइडेंस एट द टेम्पल ऑफ मारुति, तो जैसे ही चंद्री आकर इन्हें ये खबर करती है कि अब नारायणप्पा जो है वो हमें छोड़कर जा चुका है और उसकी बॉडी को क्रिमेट करना है, वैसे ही ये सबसे पहले इस कन्फ्यूजन में पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें तो ब्राह्मण कास्ट से अलग नहीं किया गया था, तो यदि अब उनके बॉडी को क्रीमेट करना है तो उसे उसके लिए एक ब्राह्मण का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई भी ब्राह्मण, अग्रहारा का कोई भी ब्राह्मण जो है वो उसके बॉडी को क्रीमेट करने के लिए राज़ी नहीं होता है। यहाँ तक कि नारायणप्पा के खुद के रिश्तेदारों ने भी उसकी बॉडी को क्रीमेट करने से मना किया कर दिया होता है। सो दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं कि ही मीन्स ये तपस्या करते हैं एंड ये मीन्स मारुति टेम्पल के सामने एक रिवर में खड़े होकर के दिन भर भगवान से ये बात पूछते हैं कि भगवान आप मुझे रास्ता दिखाइए, फिर भी इन्हें कोई भी आंसर नहीं मिलता है। ही एक्सीडेंटली एक्सपीरियंसेस द टच ऑफ नारायणप्पा'स कॉन्क्यूबाइन। तो इसी दौरान, इसी मीन्स सिचुएशन में उनका जो मीन्स कमिटमेंट है, सेक्सुअल कमिटमेंट हो जाता है चंद्री के तरफ में, और वो एक तरीके से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। फिर देखा जाए दोस्तों, तो द आचार्य यील्ड्स टू द डिमांड ऑफ हिज बॉडी एंड टेस्ट सेक्सुअल प्लेजर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, इनवैलिड गर्ल से शादी करने के पीछे इनका यही रीज़न होता है कि ये खुद को स्पॉयल होने से या खुद को वर्ल्डली प्लेजर्स में इंडल्ज होने से रोक सकें।
सो जब फर्स्ट टाइम ये कॉन्क्यूबाइन जो हैं चंद्री उनके टच में आते हैं तो इन्हें सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। तो फिर वहाँ से जो है स्टोरी का पूरा प्लॉट ही चेंज हो जाता है, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। दिस चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। देन ही टेल्स द ब्राह्मिन ऑफ हिज अग्रहरा दैट ही कैनॉट गाइड देम एंड आस्क देम टू डू वॉट देयर हार्ट सेज। मीन्स वो ये कहते हैं वहाँ के जितने भी अग्रहरा के ब्राह्मीण होते हैं कि अब वो उनसे कुछ भी ना पूछें, अब वो उन्हें गाइड नहीं कर सकते हैं इस मैटर में, और जो भी उनका दिल कहता है वो करें। हिज वाइफ डाइज ऑफ प्लेग, हाँ यहाँ जो इनकी पत्नी होती है, इनकी धर्म पत्नी जिनका नाम भगीरथी होता है, उनको भी प्लेग हो जाता है दोस्तों, और प्लेग के वजह से ही वो भी मर जाती हैं। और मैं आप लोगों से एक अंदर की बात बताना चाहती हूँ, अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो प्लेग की बीमारी है ये कहीं ना कहीं हमारे जो नारनअप्पा है, नारनअप्पा के बॉडी सही टाइम पे क्रिमेट ना होने की वजह से ही फैल रही होती है पूरे गांव में। नाउ ही क्रिमेट्स हर एंड गोज आफ्टर लुकिंग फॉर चंद्री, अब उसका दाह संस्कार करने के बाद ये चले जाते हैं चंद्री की खोज में। ही मीट्स वन पुट्टा अ यंग मैन फ्रॉम मलेरा कम्युनिटी, तो एक कम्युनिटी होती है दोस्तों, वहाँ से एक इंसान है जिसका नाम होता है पुट्टा, जो कि काफ़ी बातूनी होता है, वो मिलता है इन्हें। ही इनिशिएट्स द आचार्य टू द वर्ल्ड ऑफ सेंशियस प्लेजर, तो वो आचार्य को बहुत अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उन्हें लिकर मीन्स एक जगह वो बैठ कर लिकर भी पीता रहता है, यानी सिगरेट पीता रहता है, तब वो उठ कर दूसरे जगह पर भी चला जाता है, वो उनसे बात करने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन फिर भी बात नहीं कर पाता। द आचार्य वॉन्ट्स टू कॉन्क्वर हिज फियर ऑफ गिल्ट बाय रिटर्निंग टू द दुर्वासापुरा बाय टेलिंग द ब्राह्मिन्स द ट्रूथ एंड नॉट दिस कन्फेशन, मतलब वो एक समय पे तो ये सोच रहा होता है कि जस्ट बिकॉज ही कमिटेड विथ चंद्री, क्योंकि उसका अब कमिटमेंट हो चुका है, तो वो अब खुद को लायक नहीं समझता है कि वो किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल डिसीजन अग्रहरा के लोगों के लिए, बाकी ब्राह्मिन्स के मीन्स लोगों के लिए ले सके। तो दोस्तों यहाँ पर अब उसे एट लास्ट ये रियलाइज़ होता है कि अब जो ट्रुथ है, यानी कि बॉडी को क्रिमेट कर देना चाहिए, ये सलाह मुझे अपने फेलो मेंबर्स को देना चाहिए, यानी कि बाकी ब्राह्मिन्स को देना चाहिए। फाइनली इनका जो माइंड होता है वो इसी चीज़ के मीन्स तथ्य पे आकर रुकता है, और इसी डिसीजन को लेते हुए वो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो किसी भी तरीके का कन्फेशन ब्राह्मिन्स के सामने नहीं करेंगे और उनसे नारनअप्पा की बॉडी को जल्दी से जल्दी क्रिमेट करने के लिए आदेश देंगे, यानी कि कहेंगे। सो दोस्तों अब यहाँ हुआ ये होता है कि इन्हें जब तक होश आता है उससे काफ़ी पहले चंद्री ऑलरेडी बॉडी को क्रिमेट कर चुकी होती है विद द हेल्प ऑफ अ मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम बॉय जिसका नाम इब्राहिम है, उसके हेल्प से ही ये उनके बॉडी को क्रिमेट कर चुकी होती है। तो अब जैसे ही ये जाते हैं ही प्रोसीड्स टूवर्ड्स द विलेज लीविंग पुट्टा, तो वहाँ से एक बैलगाड़ी जा रही होती है, उसमें बैठ करके ये अपने विलेज की तरफ, अग्रहरा की तरफ चले जाते हैं। द आचार्य आंसर राइट ऑफ पैसेज दस, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं एक सच्चाई का मार्ग अभी मिल जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये तो था हमारा परनेश आचार्य का कैरेक्टर, अब ये परनेश आचार्य का कैरेक्टर नारनअप्पा से किस तरह से अलग है ये हम नारनअप्पा के कैरेक्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे। तो ही इज अ थॉर्न इन द फ्लैश ऑफ दुर्वासापुरा अग्रहारा माधवा ब्राह्मीण, जैसे कहते हैं ना कि मीन्स एक तरीके का कांटा होना जो कि किसी के गले में गड़ता है, किसी भी तरीके का अगर कांटा हो, किसी भी तरीके की नोकीले पदार्थ हो जो हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर गड़े तो हमें बहुत ही मीन्स उस वक्त बहुत इरिटेटेड फीलिंग होता है। सेम फीलिंग जो है दोस्तों वो अग्रहरा के ब्राह्मिन्स को भी होता है जब वो देखते हैं नारनअप्पा को, क्योंकि नारनअप्पा जो है वो ब्राह्मिनिकल वेस को फॉलो नहीं करता, उन्हें अब्यूज़ करता है। दो ही इज़ अ ब्राह्मिन हिमसेल्फ, जबकि वो खुद एक ब्राह्मिन होता है, ही ओपनली डिफाइल्स ब्राह्मिनहुड बाय टेकिंग अ लो कास्ट वेमन चंद्री फॉर हिज कॉन्क्यूबाइन बाय ईटिंग मीट इन द कंपनी ऑफ मुस्लिम्स बाय डेसेक्रेटिंग द पॉन्ड ऑफ गणपति टेम्पल and by abusing the ways of अग्रहरा ब्राह्मीण and their ridiculous ब्राह्मणिक ways। तो दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से वो जीता है उसके जीने का जो तरीका है वो वहाँ के ब्राह्मिन्स को पसंद नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों ब्राह्मिन्स जो हैं उनके मतलब उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि उन्हें सुबह उठना चाहिए, इस समय पर उन्हें मीन्स वेद या फिर पुराणों की अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद में उन्हें मीन्स ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, फिर उन्हें फ्लैश जो है वो बिल्कुल भी देखना भी नहीं चाहिए फ्लैश की तरफ, लिकर को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, एंड देन अपने लाइफ को एक सिंपल तरीके से जीना चाहिए। ये होता है एक नॉर्मल ब्राह्मीण की लाइफ। तो दोस्तों ये जो है ये खुद
तो ब्राह्मण होता है नारायणप्पा, लेकिन वो ब्राह्मणिकल वेस को फॉलो नहीं करता है। वो एक लो कास्ट वेमेन चंद्री के साथ रहता है और वो मीट भी खाता है दोस्तों, और अपने बाकी मुस्लिम दोस्तों के साथ भी रहता है। यहाँ तक कि गणपति जी के टेम्पल के आगे जो पॉन्ड होता है दोस्तों, उसमें काफ़ी सारी मछलियाँ होती हैं जिन्हें सैक्रेड यानी कि पूजनीय माना जाता है, जिन्हें ये निकाल लेता है और निकाल कर उसका करी बना करके खुद भी खाता है एंड अपने बाकी दोस्तों को भी खिलाता है। और मीन्स दिन भर इसका काम होता है कि ब्राह्मणिक वेस को स्पॉइल करना, उन्हें डिफाइल करना। एज द स्टोरी बिगिन्स ही डाइज ऑफ प्लेग एंड द प्रॉब्लम ऑफ क्रीमेटिंग हिम पॉजेस अ प्रॉब्लम टू द विलेज ब्राह्मण एज ही हैज ओपनली ब्रोकन फ्रॉम ब्राह्मणिक कल्चर एंड डिसइंटीग्रेटिंग इट्स सैंक्टिफाइड कन्वेंशन एंड कोड्स। तो दोस्तों यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जब वो खुद का रिश्ता जो है वो ब्राह्मण्स से तोड़ देता है एंड ब्राह्मण्स को अब्यूज़ करना शुरू करता है, तो यहाँ स्टोरी के बिगनिंग में चंद्री आकर परनेश आचार्य से ये कहती है कि उनकी जो बॉडी है वो अब क्रीमेट करने की बारी आ गई, क्योंकि उनका डेथ हो गया है प्लेग की वजह से। तो जस्ट बिकॉज उनके टाइज जो होते हैं, उनके जो बंधन होते हैं, वो ब्राह्मणिकल वेस से टूटे नहीं होते हैं, इसी वजह से इनकी बॉडी को क्रीमेट करना एक इशू बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो दोस्तों नारायणप्पा पॉजेस अ ग्रेट थ्रेट टू द अग्रहरा बोथ व्हेन ही इज अलाइव एंड ही इज डेड। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जब वो जिंदा था तब वो अपने एक्शंस के जरिए वहाँ के जितने भी ब्राह्मण्स थे उन लोगों को परेशान कर रहा था, और अब मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी ने भी जो अग्रहरा के ब्राह्मण से उन्हें कम परेशान नहीं किया। परनेश आचार्य फेल्स टू रिफॉर्म हिम इन स्पाइट ऑफ हिज पर्सनल अपील्स टू हिम एंड हिज फास्टिंग फॉर हिज रिडम्पशन। यहाँ तक कि परनेश आचार्य दोस्तों, परनेश आचार्य जो होते हैं वो एक तरीके से ईश्वर के समान ही आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो वेज होते हैं जिंदगी को जीने के, एक प्योर लाइफ फॉलो करने के, वो ही अगर नारायणप्पा की तरफ हम देखें तो वो बिल्कुल ही इनके ऑपोजिट होते हैं। एक ऐसा इंसान है जो कि ब्राह्मणिकल वेस को फॉलो कर रहा है, जो कि लिकर नहीं पी रहा है, जो किसी मींस ही इज़ मैरिड बट स्टिल ही इज़ नॉट टचिंग हिज वाइफ। यही डिफरेंस होता है परनेश आचार्य के बीच में एंड नारायणप्पा के बीच में। हालांकि उसको सही करने के लिए यानी कि नारायणप्पा के भलाई के लिए, उसके माइंड को यानी कि उसके मन को परिवर्तित करने के लिए वो काफ़ी फास्टिंग भी करते हैं परनेश आचार्य, वो काफ़ी भगवान से प्रे भी करते हैं, चिंतित भी होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इनके बिहेवियर को चेंज कर पाने में असंभव रहते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द क्रीमेशन ऑफ नारायणप्पा द आचार्य लूजेस हिज सेलिब्रिटी एंड बी टेक्स टू द कॉन्क्यूबाइन ऑफ नारायणप्पा। तो दोस्तों इस पूरे नॉवल में आचार्य यानी कि हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं परनेश आचार्य, उनसे सिर्फ एक ही गलती हुई होती है कि उनका जो कमिटमेंट है सेक्सुअल कमिटमेंट वो हो जाता है नारायणप्पा की कॉन्क्यूबाइन के साथ यानी कि चंद्री के साथ, और सिर्फ उसी गलती की वजह से इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इन दिस चैलेंज बिटवीन नारायणप्पा एंड आचार्य, नारायणप्पा विंस हैंड डाउन, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ एक तरीके से बुराई की जीत हो जाती है। बिकॉज बुराई की जीत यहाँ इसलिए हो जाती है बिकॉज वाइल द ब्राह्मण पोस्टपोन हिज क्रीमेशन ऑन क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी एंड एनिमोसिटी, चंद्री साइलेंटली अरेंजेस फॉर हिज क्रीमेशन विद द हेल्प ऑफ अहमद बरी, अ मुस्लिम फिश मर्चेंट हु वॉज द बेनिफिशियरी ऑफ नारायणप्पा जेनरोसिटी। तो दोस्तों एक समय में नारायणप्पा ने एक मुस्लिम फिश मैन की मीन्स हेल्प की होती है, तो उसी चीज़ का एहसान चुकाने के लिए अहमद बरी नाम का जो बंदा है वो हेल्प करता है चंद्री के साथ में इसकी बॉडी को क्रीमेट करने के लिए, यानी कि नारायणप्पा की बॉडी को वो दोनों मिलके क्रीमेट कर देते हैं। जब तक अग्रहरा के ब्राह्मण्स, परनेश आचार्य सब मिलकर उसकी बॉडी को क्रीमेट करने के मींस डिसीजन पे आते हैं, उससे काफ़ी समय पहले जो है चंद्री उसकी बॉडी को क्रीमेट कर चुकी होती है। तो दोस्तों ये जो था ये इन दोनों के बीच में हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि किस तरीके से परनेश आचार्य जो हैं वो अलग थे और किस तरीके से नारायणप्पा जो हैं वो उनसे अलग थे। नारायणप्पा ने पूरे जीवन पर्यंत एंटी ब्राह्मणिकल वेस को फॉलो किया, और जो हमारे परनेश आचार्य यानी कि जो हमारे मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं उन्होंने ब्राह्मणिकल वेस को फॉलो किया, बट स्टिल अगर देखा जाए तो दोनों ने ही मीन्स दोनों का ही स्तर यानी कि दोनों का ही लेवल लास्ट में एक हो जाता है जब उन्होंने अपने लाइफ में सबसे पहली गलती कमिट की होती है, वो होती है चंद्री के साथ एक सेक्सुअल मीन्स रिलेशनशिप हो।
होना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नारायणप्पा की बॉडी भी अपने ही मन मन में खुश हो रही होती है कि मैंने जब तुमसे यही कहा था उस वक्त तो तुमने अपोज किया था। मीन्स मैं आप लोगों से एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों, मीन्स नॉवल के बीच में ऐसा भी हुआ है कि जब परनेश आचार्य माइंड कन्वर्ट करने के लिए नारायणप्पा के घर जाया करता था, उस वक्त नारायणप्पा भी अपना खुद का सजेशन परनेश आचार्य को देता था, जो कि उस वक्त उसे अब्यूजिव लगते थे। लेकिन जब अब्यूजिव लगते थे इन द सेंस मत्सांगनी एंड ऐसी बहुत सी अप्सराएं होते हैं जिनका नाम वो उनसे कहता है, और मतलब ये भी कहता है कि तुम्हें भी मीन्स चंद्री की तरह किसी एक औरत के साथ ज़रूर रहना चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर, वो उसे इस तरीके की सलाह देता है। और जब उनके बीच ऐसा कुछ हो रहा होता है उस वक्त भी कहीं ना कहीं नारायणप्पा की जो सोल है, मतलब जो तड़प रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी को क्रिमेट नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके भी मन से यही निकल रहा होता है कि हैवंट आई टोल्ड यू टू डू द सेम थिंग, यानी कि क्या मैंने तुम्हें सही इन्हीं सारी चीज़ों के लिए सजेस्ट पहले नहीं किया था। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी दिखता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है। ऑल दो दे वे हैविंग अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दोनों के बीच में, दोनों के कैरेक्टर्स में ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक डीड की वजह से दोनों एक ही स्तर पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन इन दोनों के बीच के कंपैरिजन में एंड इन दोनों के बीच में किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट हुआ उस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो। इसी तरीके से जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 ईयर्स में वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। सो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Till then, thank you everyone and all the very best for your exam.